आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप थ्री सक्सेसिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्जर्व्ड एट 255 हर्ट्ज, 425 हर्ट्ज एंड 595 हर्ट्ज रेस्पेक्टिवली, देन द पाइप इज, बोल रहा है कि तीन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी हम लोगों को मिल रही है। तीन सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी मतलब एक के बाद एक, जैसे एक लूप बना तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, दो लूप बना तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, तीन लूप बना तो ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसा, ठीक है, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं कि एक लूप बना फिर पांचवा लूप बना फिर आठवा लूप में, ऐसे गिन रहे हैं हम लोग। सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्रमशः एक के बाद एक ऐसे, ठीक है। तो ये हम लोग को फ्रीक्वेंसी मिल रही है। बोल रहा है कि जो पाइप होगा वो क्या होगा। तो पाइप हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा क्या होता है क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, इसकी वैल्यू होती है कितनी, V/12। और क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट डैश, वो कितनी होती है, V/4L, ठीक है। ये V/12 होती है और V/4L होती है। इसमें एक खास बात और होता है गाइज ओपन ऑर्गन पाइप में, कि हमें ऑड प्लस इवन सारे ही हार्मोनिक मिलते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी इन जनरल फ्रीक्वेंसी FN में लिखूं तो वो वैल्यू होगी NV/12, ठीक है, NV/12। इसका मतलब क्या, जैसे जो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो V/12, 2V/12, 3V/12, 4V/12 ऐसे मिलेगी, ठीक है। और इसके अपोजिट यहाँ पे FN डैश की मैं बात करूँ, कोई भी इन जनरल फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू होती है 2N+1 V/4L। 2N+1 ये लिखने का कोई, 2N+1/2 होगा गाइज, ठीक है, 2N+1/2 भी लिख सकते हैं या फिर नहीं लिखे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केसेस में ये क्या दिखाएगा, ऑड वैल्यू दिखाएगी। तो ऐसे ही रहने देते हैं, 2N+1 रहने देते हैं। जीरो से शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये 1V/4L, फिर 1 रखें तो 3V/4L ऐसी वैल्यू दिखाएगी। इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे मिल रही है, V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L ऐसी फ्रीक्वेंसी इसमें मिल रही है, ठीक है। देखिए n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे रखते जाइए तो V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L ऐसे मिले। इसका मतलब क्या, इसमें ऑड प्लस इवन सारे हार्मोनिक मिलते हैं और इसमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलते हैं। इसका मतलब अगर ये रेशियो जो है ये सक्सेसिव होगा, मतलब 1, 2, 3 ऐसे होगा, तो पाइप कौन सा होगा, ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर ये रेशियो जो है वो अल्टरनेट होगा, जैसे 1:3:5 या फिर 2:4:6 ऐसे होगा, तो फिर क्या कौन सा रेशियो होगा गाइस, कौन सा पाइप होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप होगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 255 ये रेशियो देखते हैं, 255, 425 ये ऐसे है, 255:4, 25:595 इसको ऐसे हैं। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे गाइस, सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि किसी भी रेशियो को हम लोग, जैसे हम लोग 8/10 लिखें तो ये क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 2 4 8 2 5 10, तो ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, बिल्कुल एक्यूरेट 4/5, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको कन्वर्ट करें तो क्या करें, क्या करें, किससे डिवाइड करें, इसको हम लोग 85 टाइम्स काट सकते हैं। देखिए 85 3 होता है 255 टाइम्स। हम लोग को कैसे पता है 85 ही होगा, क्योंकि हम लोग छोटे नंबर से शुरू करते हैं। जैसे ये 3 टाइम्स में गया तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 2 से नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। 3 से देखें तो 5 5 10 और 2 12, तो 3 से मैंने डिवाइड करके देखा 85 आया, ठीक है, और 85 में ये तीनों ही जा रहे थे, तो फिर क्या डेफिनेटली ये 85 टाइम से ही तीनों डिवाइड होंगे। तो ये हो गया 85 3 = 255, 85 5 = 425 और 85 7 = 595। यानी ये रेशियो जो है वो क्या है, 3:5:7 का रेशियो है, ठीक है, 3:5:7 का रेशियो है। इसका मतलब ये ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है गाइज, इसका मतलब ये कौन सा ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है। हम लोगों को क्या बतानी है, हम लोगों को बतानी है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है हम लोगों को। और क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में गाइज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L ऐसे मिल रहा है, और ये कौन सा पोर्शन है, 3 5 7, ये 3V/4L, 5V/4L और 7V/4L वाला पोर्शन है, ठीक है। यानी कि जो हमारा V/4L होगा ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब ये जो 255 का 1/3
ये कह लीजिए, या फिर 425 का 1/5 ये कह लीजिए, या फिर 595 का 1/7 ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 3V/4L का 1/3 करें तो V/4L ही आएगा, 5V/4L का 1/5 करें तो V/4L ही आएगा, और 7V/4L का 1/7 करें तो भी क्या आएगा, V/4L ही आएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी करने के लिए हम लोग फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 255/3 कर दें, या फिर 425/5, या फिर 595/7। तो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मैंने एफ नॉट डैश लिखा, एफ नॉट डैश की वैल्यू मैंने लिखी 255/3, यानी 85 हर्ट्ज। ये क्या हो गई हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी। इसका मतलब कि जो पाइप होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, क्लोज ऑर्गन पाइप होगा विद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 85 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, क्लोज एट एंड, क्लोज एट वन एंड विद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 255 गलत है। ए पाइप क्लोज एट वन एंड विद फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 85 फर्स्ट वन इज करें। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।